कहते हैं ना, जैसे को तैसा। भारत ने बिल्कुल वैसा ही किया। चाइना ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अमेरिका की ही क्लास लगा दी और अमेरिका की जासूसी कर ली, तो वहीं भारत ने चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके चाइना की ही जासूसी कर ली। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा नजारा अमेरिका ने पहले कभी नहीं देखा होगा। यूनेस्को में जब अमेरिका एंट्री करना चाह रहा, चाइना ने किस तरीके से दरवाजा रोक दिया। यूनेस्को में एंट्री और एआई का क्या संबंध है? चाइना क्यों नहीं घुसने देना चाहता है अमेरिका को? और उस दिन मीटिंग में क्या हुआ? 99 देशों के सामने जो लड़ाई हुई वो देखने लायक। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ट्रंप के कुछ निर्णय ऐसे थे जो निर्णय भारी पड़े अमेरिका को। ट्रंप ने अपने शासनकाल में अचानक से निर्णय ले लिया 2017 में और कहा कि हम अब यूनेस्को के पार्ट बने नहीं रहेंगे। हालांकि ट्रंप को पार्ट नहीं बने रहने के बजाय ये करना था कि यूनेस्को में बदलाव वगैरह लाना था, यूएन में बदलाव लाना, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया। जैसे ही 2017 में अमेरिका ने छोड़ा यूनेस्को को, चाइना ने तुरंत यहाँ पर पैसे बढ़ा दिए। चाइना ने कहा कि हम अच्छा खासा पैसा देने को तैयार हैं और यूनेस्को में 2018 में ठीक ठाक निवेश कर दिया चाइना ने। अब चाइना ने जब पैसे बढ़ा दिए तो चाइना का प्रभाव भी बढ़ा। चाइना के डिप्लोमेट थे सिंग कू, ये यूनेस्को के डिप्टी डायरेक्टर जनरल बन गए, यानी कि यूनेस्को का नंबर 2 का पोजीशन इन्होंने कब्जा लिया। अब जब इन्होंने कब्जा लिया है तो जाहिर सी बात है जो बदलाव होंगे उस बदलाव पर चाइना का प्रभाव दिखेगा। मन में आपके ख्याल आएगा, अरे यूनेस्को का काम ही क्या है? यूनेस्को का काम तो वही वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ऐतिहासिक जगहें, यही सब है ना। जी नहीं, यूनेस्को का काम इससे और भी कहीं ज्यादा आगे है और इसकी भनक अमेरिका को लग गई है। पहली बात तो ये, अगर साधारण सा काम देखेंगे कि किसी देश की संस्कृति, ऐतिहासिक जगहों के बारे में उन्हें लेबल करना, उनकी रैंकिंग देना, तो इसका असर सीधे सीधे पर्यटन पर पड़ता है। चाइना के हाल के दिनों में ऐतिहासिक और यूनेस्को के हेरिटेज साइट में बहुत नंबर में बहुत बढ़ोतरी हुई है, जिसका फायदा किसको मिलता है? चाइना को मिलता है। तो इसके अलावे एक और नई चीज आ रही है जिसे कहते हैं AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वक्त इतना ज्यादा चर्चा में है कि नए बदलाव होंगे इस AI के तहत। टेक्नोलॉजी में डिजिटल बहुत तरह के बदलाव होंगे। इस बदलाव को देखते हुए यूनेस्को भी कई सारे नियम लाएगा, कानून लाएगा और यहाँ पर कई सारे प्रभाव भी दिखने लगेंगे। जो भी देश यहाँ पर बैठे हैं उनका प्रभाव दिखेगा। ये लोग बदलेंगे नियमों को और अपने फायदे के लिए नियमों को चलाने की कोशिश भी करेंगे। ऐसा ही देखने को मिला था 5G टेक्नोलॉजी के समय में भी। यूनेस्को के साथ मिलकर चाइना इस सेक्टर में बड़ा खेल करना चाहता था और अमेरिका के निकलने के बाद तो चाइना की चांदी हो गई। चाइना ने यूनेस्को को अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। अब अचानक से बाइडेन की नींद खुली और बाइडेन ने कहा हम यूनेस्को में एंट्री लेंगे, और एंट्री लेने से पहले बाइडेन ने खजाना भी खोल दिया और ये खजाना था $629 मिलियन का। अमेरिका ने कहा देखो हम बड़ा पैसा देने को तैयार हैं, ब्याज सहित पैसा देने को तैयार हैं, हमें फिर से एंट्री चाहिए यूनेस्को में। अब बात आ गई कि यूनेस्को में फिर से अगर एंट्री चाहिए तो ऐसे तो नहीं है कोई दरवाजा है, जब मन किया आ गए, जब मन किया निकल गए। इसके लिए होगी वोटिंग और वोटिंग के बाद ही चुना जाएगा कि आपकी एंट्री होगी कि नहीं होगी। यूनेस्को में वोटिंग के लिए उतरा अमेरिका और अमेरिका जब वोटिंग के लिए उतरा तो आश्चर्यजनक रूप से 10 देश विरोध में आ गए, जिन्होंने बोला कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और उसमें से कौन कौन थे? चाइना नंबर 1 पे था, रूस था, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, ईरान, इरिटेरिया, इंडोनेशिया, निकारगुआ, सीरिया, फिलिस्तीन। इन्होंने कहा कि हम आपके खिलाफ वोट करते हैं, आपकी एंट्री यूनेस्को में नहीं होनी चाहिए। पर 132 देशों ने वोट किया कि नहीं, आपकी एंट्री होनी चाहिए। आखिरकार अमेरिका जीत गया और अमेरिका ने एंट्री ले ली है यूनेस्को पे, यानी चाइना का प्लान फेल हो गया। वैसे ये प्लान फेल होना ही था। यूनेस्को का ना सालाना बजट कितना होता है यूनेस्को चलाने का? $534 मिलियन साल का। और यहाँ अमेरिका देने को तैयार है $600 मिलियन, यानी उसके सालाना बजट से ज्यादा। तो जाहिर सी बात है यूनेस्को बात सुनेगा अमेरिका की ही। वैसे भी इस वोटिंग में ये भी दिखा कि दुनिया के देश चाहते हैं कि चाइना पूरी तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित न कर ले, इसलिए
इन्होंने अमेरिका की एंट्री को मंजूरी दी है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी ही चौंकाने वाली खबर निकल कर सामने आ रही है। अमेरिका को हराने के लिए चाइना ने इस्तेमाल किया अमेरिका की टेक्नोलॉजी। आपको याद होगा जो जासूसी बलून छोड़े गए थे, वो जासूसी बलून कहा जाता है कि कई सारे मिलिट्री बेस अमेरिका के उनके ऊपर कई बार उड़ चुके थे। ये तो पहली बार अमेरिका ने ध्यान दिया, बलून को मार कर गिराया, वरना इससे पहले अमेरिका और कनाडा के कई मिलिट्री स्टेशन पर ये बलून उड़ चुका है और वहाँ की खास चीजें भेज चुका है। जब इस बलून को तोड़ फोड़ कर निकाला गया और पता कि आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है, तो पता चला कि इस बलून में अमेरिकन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुआ है, चाइनीज सेंसर है और इसके जरिए इमेज, वीडियो और कई तरह के डेटा ट्रांसफर हुए हैं। कई ऐसे डेटा भी ट्रांसफर हुए हैं जो रियल टाइम डेटा ट्रांसफर हुए हैं, जैसे कि वीपन्स की सिग्नल्स। अमेरिका को अमेरिका की ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उसके इन्फॉर्मेशन को चाइना ले लेना शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि ये सारा खेल एक दो दिन नहीं बल्कि 5 सालों से चल रहा था। चाइनीज बलून एक लॉन्ग रेंज मिशन था जिसको आराम से छोड़ दिया जाता था, उसके बाद चाइना बैठकर सारे डेटा को इकट्ठा करता था। एक खुलासा जहां यहां हुआ तो वहीं दूसरी तरफ कहा गया कि चाइना के खिलाफ भारत ने भी चाइना के ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया। और वो कब की बात है तो आपको बता दें, लास्ट ईयर भारत की आर्मी एक युद्धाभ्यास कर रही थी अमेरिकन आर्मी के साथ और ये उत्तराखंड के औली में हो रहा था। यहाँ पर जो एक्सरसाइज हो रहा था उसका नाम भी था युद्धाभ्यास, और इस युद्धाभ्यास में अर्जुन नाम का एक चील का इस्तेमाल किया गया था। आप देखेंगे ये तस्वीर उस समय बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। और ये जो है ये बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाला एक ऐसा पंछी है जिसके माथे पर माउंट किया गया था कैमरा, और माउंट किए गए इस कैमरा से डिटेल मिलती थी भारतीय सेना को, ऐसा कहा जाता है। जब इसे देखा गया कि आखिर ये जो कैमरा है ये कैमरा किस कंपनी का है, तो पता चला, कहा जा रहा है कि ये FXT टेक्नोलॉजी चाइना का बना हुआ है जिसका वेट है 4.8 ग्राम। अमेरिका की टेक्नोलॉजी से मात दे रहा है चाइना, तो चाइना को भारत चाइना की टेक्नोलॉजी से, जिसमें यह कहा जा रहा है कि दोनों देशों ने एक दूसरे की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर एक दूसरे की जासूसी की। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।